गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से घूमने, और हम लोग जा रहे हैं 1 जनवरी का पूजा करने। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और हम लोग का कार आ गया नीचे। मेरे बाल खराब होते यार। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कार में बैठ चुके हैं और मेरे साथ बैठ रहे हैं फ्रंट सीट पे नानू। और इधर कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। मम्मी, नानी, नानू, रूबी मौसी और सचिन और सुमित भैया, और कोई नहीं है। और हम लोग जा रहे हैं 1 जनवरी का पूजा करने। ओ हाँ लोग, ये रहा हमारे लड्डू गोपाल। हम लोग के साथ ये भी जा रहा है घूमने, तो बहुत ही मजा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं पूजा देने, वो यहाँ से 4 आवर्स का रास्ता है। कोलकाता से 200-300 किलोमीटर का रास्ता है, और हम लोग आने वाले हैं थोड़ी देर बाद हाईवे पे। हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके थे, आप लोग देख सकते हैं। और ये सचिन, जब उनका भी हम लोग मुँह नहीं दिखाते हैं, और ये सुनील भी है रेडी होके मस्त एकदम। हेलो फ्रेंड्स, हाय, अभी आलोक भूख कर उतरा है नाश्ता करने के लिए। इधर मैं कैमरा स्टैंड कर चुका हूँ। और इधर खलीफ अंकल आ चुके हैं। आइए, ये मेन बुलडोजर इंसान आ चुके हैं, माइकल जैक्सन। खोज रहे थे और अचानक से पता चला कि नानू होटल के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग तब से नानू को खोज रहे थे। मैं गुड़ वाला रसगुल्ला, ये लिंचा है, ये आलोक है। और इधर लिंचा पैक हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इधर लिंचा लिंचा से गरम गरम पूरी आ चुकी है, और मैं अभी खाने जा रहा हूँ। ये महाशय तो खा ही रहे हैं, ये महाशय। और इधर भी है, मौसी खा रही है, मम्मी तो अपना फोन में लगी हुई है। मैं तो बोल रहा था कि मैं चाउमीन खाऊँ, बस चाउमीन। मैं ही दाना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का नाश्ता हो चुका है, और बहुत ही यम्मी था, टेस्टी था नाश्ता। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तारापीठ, क्योंकि अभी यहाँ से करीब फिर भी 1.5-2 घंटे का रास्ता है। अब हम लोग यहाँ से तारापीठ जाएंगे। आज होटल में होल्ड करना है, कल 1 जनवरी है, यानी कि नया साल। और हम लोग कल ही देंगे माँ का मंदिर में पूजा। जो तारापीठ है वो बहुत ही जागृत मंदिर है, और हम लोग हमेशा ही जब भी हम लोग को वक्त होता है हम लोग जाते हैं, टाइम मिलता है। और माँ का दया कृपा हम लोग के ऊपर इसी तरह बना रहे कि हम लोग हमेशा जाते रहें। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा तारापीठ में। अभी हम लोग का गोपाल का हम लोग संदेश ले लिए हैं, यानी कि पेड़ा। ये गोपाल को हम लोग चढ़ाने वाले हैं। हम चप्पल खोल लेते हैं। लल्ला, ये आप खा लीजिए, ये है लल्ला का प्रसादी। आलोक, लल्ला के लिए आप चॉकलेट भी लिए हैं ना? लल्ला का चॉकलेट लल्ला गाड़ी में खाते खाते जाएगा। हम लोग होटल से निकल चुके हैं, मस्त हम लोग का पेट फूल हो गया है। हम लोग का पेट फूल हो चुका है, और अभी भैया सामने बैठ चुके हैं,
पापा है, दीदी है, ये आलोक के पापा गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ सुमित है, सामने में आलोक है और एकदम सामने में है छोटू सा लल्ला। इधर हम पीछे है मेरी मम्मी, पीछे अकेले बैठी है एकदम रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए मम्मी पीछे चली गई है। तभी और ज़्यादा टाइम नहीं है पहुँचने में, हम लोग समथिंग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जाने वाले हैं अब होटल में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं होटल में और बहुत ही मस्ती हो रहा है। यो कैसा लग रहा है मोची? हेलो खुशबू आया तो अच्छा लग रहा है मोची। नानू कैसा लग रहा है? और एक ये रूम है, ये थोड़ा बड़ा रूम है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी निकल रहे हैं लंच करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इधर मिठाई तेंचा, गुड़ वाला रसगुल्ला, इधर भी लेंचा, इधर काला जामुन, इधर रसगुल्ला। ये बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए मेरे हाथ से कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये इधर है काला जामुन, इधर भी काला जामुन, इधर रसगुल्ला। और ये होटल में हम लोग जा रहे हैं खाने। तो फ्रेंड्स इधर हम लोग बैठ चुके हैं और मैं कैमरा को स्टैंड कर लिया हूँ, अभी देखते हैं कब तक आएगा। सचिन मेरे साथ बैठा हुआ है और इधर देख सकते हैं इधर पंचायत चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग इधर होटल में आ चुके हैं, लंच आ चुका है। ये दाल चावल सब्जी, ये आलू पोस्तो, ये नींबू जो दाल में डाल दिए हैं, आलू पोस्तो होता है सब्जी, और अभी अंडा का ऑमलेट आने वाला है। ये आलू पोस्तो। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी है, मम्मी कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम बोल नहीं पा रहे मम्मी खाना। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग का खाना हो चुका है और मेरा गला बैठ गया है। अब चलते हैं रूम में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही घूमने और हम लोग अभी होटल से निकल चुके हैं। मंदिर में पूजा तो हो गया है और ये देखिए आप लोग हमारे साथ ही अभी घूम रहे हैं छोटे से लल्लू लड्डू गोपाल हमारे। और हम लोग ऐसे ही घूमेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे मुझे भी नहीं पता, कुछ कुछ मंदिर है वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे। और हम लोग ये ऑटो टोटो में जाएंगे शायद से। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और इसको भी इससे भी भेंट कर लीजिए, ये बहुत आज प्यारा लग रहा है। आज हम लोग इसके लिए न्यू ड्रेस खरीदे थे, कल खरीदे थे और आज न्यू ईयर है तो आज ही हम लोग पहना दिए इसको। तो अभी यहाँ पे और टोटो खोज रहे हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं, टोटो भी चल चुका है, आप लोग देख सकते हैं सब कोई लोड हो गए हैं टोटो में। और इसका फर्स्ट डे है घूमने वाला ना, इसका पहला दिन है घूमने का। देखो तो पंखा हवा लगा ऊपर जाए। नहीं नहीं फंसाते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ पे पहुँच गया।
फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए गेट तो शायद से भी बंद है। ये देखिए फ्रेंड्स देखिए है एटा की शैम्पू जो है ये पता नहीं क्या शैम्पू जो है और इधर क्यूट है बहुत सारे। घर मिट्टी का घर दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स मिट्टी की घर। ये मास्क मास्क है सनग्लासेस है मास्क ओके। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं मंदिर से फिलहाल। ये देखिए फ्रेंड्स ये सभी बंद है। अभी हम लोग एकदम लास्ट तक जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग इधर आ चुके हैं और 40 फुट पानी के नीचे एक मंदिर है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही बने रहिए पानी के अंडरग्राउंड तो नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम लोग आ चुके हैं। हम लोग जाने वाले थोड़े आगे फ्रेंड्स। ये देखिए पानी के अंदर है वो मंदिर 40 फुट नीचे बहुत गहरा है और बहुत लंबा मंदिर मत जाओ। तो फ्रेंड्स 40 फीट नीचे है ये मंदिर। और इसी मंदिर का वो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा टॉपी दिख रहा है इसका और फूल वगैरह चढ़ाया गया है। अब इनका पूजा कैसे होता मुझे तो मालूम नहीं है। ऐसे ही लोग पूजा कर देते होंगे बाहर से। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा नजारा है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स इधर सिर्फ सरसों का खेती खेत है और बहुत ही ज्यादा दूर तक है, वहाँ तक पूरा भरा ही हुआ है सरसों। और इधर बहुत लोग फोटो शूट कर रहे हैं और मुझे भी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है तो फोटो शूट करना तो बनता ही है। और ये बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है चांद सितारा चमक रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूल है सरसों का। तो फ्रेंड्स आज मेरा लल्ला सरसों का खेत में घूम रहा है। ये देखिए इसको भी बहुत मजा आ रहा है और आलोक तो उधर शूट करने में बिजी है आप देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत 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 सारा सरसों का खेत है और देख के वो दिलवाले दुल्हनिया मूवी का याद आ रहा है इसलिए हम भी लोग थोड़ा आ गए हैं। हम लोग तो मूवी तो नहीं बना सकते हैं लेकिन उसको फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पापा देखिए हीरो के जैसे खड़े हैं। ये हीरोइन जा रही है दौड़ते हुए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हीरोइन दौड़ते आई है, हीरो के पास पहुँच गई है, ये देखिए। लेकिन हीरो अभी पत्ता नहीं दे रहे हीरोइन को। यहाँ पर सब सिर्फ सूट पे ही लगा हुआ है, उधर देखिए बहुत दूर पे है आलोक, सब कोई खड़ा है और आलोक बहुत मस्ती कर रहा है। ये एक बड़ा बंदर है यहाँ पे। तो आलोक कितना मजा आ रहा है सरसों का खेत में। आलोक आलोक उधर नहीं, उधर नहीं, इधर आ जाओ। नहीं नहीं इधर इधर इधर। तो हेलो फ्रेंड्स, आलोक अभी पीछे हैं, तो तब तक हम ही सोचे ब्लॉगिंग बना लेते हैं। तो ये मंदिर अभी जस्ट खुलने वाला है, आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये है इसका मेन गेट, यहाँ बस एक मंदिर ही मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। ये रहा आलोक अभी आ ही रहा है, यहाँ काफ़ी क्राउड है, इसीलिए हम लोग अपना सेफ्टी लेके चल रहे हैं मास्क पहन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मेला टाइप का दुकान लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही। जो पांच पांडव यहाँ पे आके बसे थे और इसीलिए यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है पांच पांडव का। तो चलते हैं अभी हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंदिर में आ चुके हैं, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे सब कोई मंदिर का, आपको दिखाते हैं लोगों से। को बोला था ना यहाँ पांच पांडव रहते थे, तो यहाँ पे देखिए उनका अभी भी बर्तन का निशानी है, इसी पे उन लोग खाना बनाते थे। ये है बर्तन, ये कोपिया टाइप का शायद डेकची, और ये कढ़ाई है, देखिए किस टाइप का, कितना बड़ा कढ़ाई है आप देख सकते हैं। ये पांचों पांडव का खाना यहाँ पे बनता था फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ये मंदिर का पीछे साइड में हम लोग आए हैं, ये रहा उन लोगों का पेटी, अभी भी सारा निशानी रखा हुआ है। पता नहीं इस पेटी के अंदर क्या है, नहीं आ जाओ आलोक इधर से आ जाओ, हम लोग इधर से कम लेंगे मंदिर से। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लल्ला के लिए एक प्यारा प्यारा सा झुमका लिए हैं। फ्रेंड्स मंदिर का गेट खुल चुका है और हम लोग जा रहे हैं अंदर, और मेरा पैर बीच में मुड़ गया था तो थरक गया बहुत। तो फ्रेंड्स इधर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा, तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे दर्शन करना हो चुका है, आप देख सकते हैं ये है मंदिर, बहुत ही प्यारा है। अंदर में जो है सजावट कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा था। वो आपको कैसे खेलते हैं, कहाँ पे जाते हैं,
क्या क्या करते हैं सारे स्टोरी है वो स्टोरी एक मतलब ऊपर बना हुआ था, मतलब एक एक फोटो में स्टोरी था, पूरा 3D ऐसा लग रहा था कि सामने है वो, बहुत ही प्यारा था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग उस वाले मंदिर में आए थे जहाँ पे गेट बंद था, तो अभी शायद से खुला है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। मैं पूरा थक गया हूँ चलते चलते, क्या करूँ, चलना तो पड़ेगा ही। सामने है मंदिर।